सुप्रभात बच्चों, आइए आज के इस वीडियो में कबीर की शाखिया से कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों उत्तर को जानेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग सीधे बहुविकल्पी प्रश्नों उत्तर की ओर। पहला प्रश्न हमारा, कबीर दास ने अपने इन साखियों में मनुष्य को क्या बातें बताई हैं? ईमानदारी, भ्रष्टाचार, व्यवहारिक ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा व्यवहारिक ज्ञान। अगला प्रश्न हमारा, कबीर के दोहों को क्या कहा जाता है? साखी, पद, चौपाई, गीत। सही उत्तर होगा साखी। अगला प्रश्न, साखी शब्द का अर्थ है प्रेम, ज्ञान, साक्षी, दर्शन। सही उत्तर होगा साक्षी। अगला प्रश्न हमारा, कबीर दास ने संत की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई है? धर्म, सच्चा ज्ञान, जाति, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सच्चा ज्ञान। अगला प्रश्न हमारा, कबीर ने किसकी जाति ना पूछने पर बल दिया है? ईश्वर, शिक्षक, साधु, व्यापारी। सही उत्तर होगा साधु। अगला प्रश्न, साधु से क्या पूछना चाहिए? धन, ज्ञान, जाति, शिक्षा। सही उत्तर होगा ज्ञान। अगला प्रश्न हमारा, कबीर के अनुसार हमें किसका मोल करना चाहिए? तीर, धनुष, तलवार, मयान। सही उत्तर होगा तलवार का। अगला प्रश्न हमारा, कबीर के अनुसार एक गाली कब अनेक बन जाती है? मौन रहने से, पलटकर गाली देने से, गाली सुनने से, गाली समझने से। सही उत्तर होगा पलटकर गाली देने से। अगला प्रश्न, कबीर के अनुसार हमें गाली का उत्तर कैसे देना चाहिए? संघर्ष करके, लड़ाई करके, पलटकर गाली देकर, मौन रहकर। सही उत्तर होगा मौन रहकर। अगला प्रश्न हमारा, कबीर ने 10 दिशाओं में किसका घूमना बताया है? हृदय, मन, आँखों, दिमाग। सही उत्तर होगा मन। अगला प्रश्न, आइए देखते हैं, कबीर ने किसकी निंदा न करने का उपदेश दिया है? मिट्टी, पशु, जल, घास। सही उत्तर होगा घास। अगला प्रश्न हमारा, माला तो कर्मे फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनमा तो दहु दिशे फिरे, यह तो सुमरन नाही। इस दोहे में कैसी भक्ति का उल्लेख किया गया है? पाखंड पूर्ण, सगुण, निर्गुण, दास भाव की भक्ति। सही उत्तर होगा पाखंड पूर्ण। अगला प्रश्न हमारा, किसका संसार में कोई बैरी नहीं होता? जिसका मन कठोर हो, जिसका मन उग्र हो, जिसका मन शीतल हो, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा जिसका मन शीतल हो। अगला प्रश्न हमारा, आपा शब्द का क्या अर्थ है? निर्मल, अहंकार, लालच, शांत। सही उत्तर होगा अहंकार। अगला प्रश्न हमारा, कबीर ने अपनी शाखियों के माध्यम से क्या संदेश दिया है? मानव को ईश्वरीय ज्ञान दिया है, ईश्वर भक्ति या नाम स्मरण पर बल दिया है, जाति पाति के भेद का खंडन किया है, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, कबीर दास जाति पाति के भेदभाव का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ लोग अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते थे, क्योंकि कुछ लोग जाति पाति के प्रश्न पर झगड़ते रहते थे, समाज में एकता और शांति बनाए रखने के लिए, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए।